those tissues which are made up of more than one type of cell are called complex permanent tissues. These are made up of more than one type of cells, made up of more than one type of cell. One type of cell are known as complex permanent tissues. Complex permanent tissues are further divided into two types, xylem and phloem. यहाँ पर बताएगा एक xylem, दूसरा phloem. आइए ये करके पढ़ते हैं. Xylem and second is phloem. Xylem are the part of vascular bundle. It is a type of vascular bundle which contain following parts. कौन कौन से parts होते हैं यहाँ पर? Tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem phloem and xylem phloem. And xylem phloem. इस तरह से इन चीजों से मिलकर ये बना होता है xylem. इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. वाटर और मिनरल्स का ये ट्रांसपोर्ट करता है xylem. किससे किससे बना है? ट्रैकीज, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem phloem. एक एक करके इनको भी समझना होगा. ट्रैकीज और वेसल्स ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइन का. जैसे मार्कर आप देख रहे हैं ट्यूब है, इसके बीच में होल होगा, कोर होगा. इस कोर से होल से होकर वाटर मूव करता है. ट्रैकीज और वेसल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मेन रोल प्ले करते हैं. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. xylem parenchyma ये फूड स्टोरेज का फंक्शन रहता है इसका. यहाँ पर भी फूड स्टोरेज होगा, प्लस ये जो साइड वेज ट्रांसपोर्ट है वाटर का, बगल में ब्रांचेस में जो वाटर जाएगा वो उसमें ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट. और xylem फाइबर, जहां भी फाइबर होंगे ये स्ट्रेंथ को देते हैं, तो xylem में स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है xylem फाइबर. इस तरह से सभी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए. xylem में जो मूवमेंट आप देखेंगे वाटर मिनरल का, वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है, एक ही डायरेक्शन में होगा. Means, root से leaf, unidirectional movement from root to shoot कह सकते हैं आप. तो ये यहाँ पर एक पॉइंट unidirectional, दूसरा कितने किस कौन कौन से पार्ट से बना है, और तीसरा आप देख रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, xylem करता क्या है, और फोर्थ पॉइंट इसमें तैयार करेंगे कि यहाँ पर xylem में आप देखेंगे तो xylem mostly dead है. इसमें सारे cells लगभग dead हैं. ज्यादातर xylem की cells आप देखेंगे कैसी हैं, dead हैं. केवल यहाँ पर आप parenchyma को छोड़ दीजिए, xylem parenchyma को, केवल parenchyma living होती है, बाकी सभी यहाँ पर tracheids, vessels, xylem fiber ये सभी किसी कैसे हैं, dead. तो इस तरह से xylem के बारे में आपको केवल इतने फोर पॉइंट्स तैयार करने हैं आपके सिलेबस में बस. आगे इसका डायग्राम आपको ग्रुप ने दिया है एनसीईआरटी में, उसको बना लेंगे. वहां कुछ डायग्राम में आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह क्या है, xylem parenchyma का जैसे मैंने बताया था parenchyma टिश्यूज में, वैसे ही यहाँ डायग्राम और फाइबर्स में आप लोग यहाँ डायग्राम दिए हैं. चारों का डायग्राम आप अलग बना लेंगे. फ्लोएम में इसी तरह से बिल्कुल आप अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा. फ्लोएम में आप देखेंगे फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल या कहीं कहीं आपको मल्टी डायरेक्शनल मिलेगा. तो बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ यहाँ मूवमेंट होगा, फ्रॉम रूट टू शूट एंड शूट टू रूट. जनरली यहाँ पर जनरली देखेंगे लीफ में बल रहा है फूट, तो लीफ से रूट की तरफ हमेशा मूवमेंट होता है फोटोसिंथेसिस हो. लेकिन क्लाउडी डेज में या स्प्रिंग सीजन में जब लीफ फॉल हो गई, सारी पत्तियां गिर गई, पतझड़ का समय है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही, तो इधर
जहां कमी होगी, जहां ग्रोइंग पार्ट है उधर की तरफ, रूट में जो स्टोर फूड है वो सिंक की तरफ जाएगा, ये यहाँ फूड की जिम्मेदारी बाई डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन कर सकते हैं आप। और यहाँ पर भी आपको फोर पार्ट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ फोर पार्ट्स आपने देखा, इसमें आप बताएंगे वर्म है सी ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइव। इस तरह से ये भी फोर एलिमेंट्स से मिलकर बना है और इनका क्या फंक्शन है यहां पर आइए देखते हैं। सेम उसी तरह से जैसे जैलम ने अभी कहा, सी ट्यूब्स नाम से ही पता चल रहा है, सी मीन्स चलनी, मीन्स इसमें पोर्स होंगे और पोर्स के थ्रू फूड जो भी यहाँ पर बना ग्लूकोज वगैरह वो ट्रांसपोर्ट होगा। सी मीन्स चलनी, तो वहां से छल करके साइड में जो बगल में सेल्स हैं और भी जो बगल में पार्ट है वहां पर ये ट्रांसपोर्ट होगा। कंपेनियन सेल इनकी हेल्प करती है क्योंकि सी ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस इस पर कंट्रोल करता है। कंपेनियन मीन्स साथी, इसकी मदद करती है कंपेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर वही फंक्शन, फूड स्टोरेज जो भी यहाँ पर स्टोरेज होना है पैरेन्काइमा में स्टोर होगा। और फ्लोएम फाइबर जो कि स्ट्रेंथ देंगे यहाँ फ्लोएम को। तो इस तरह से यहाँ पर ये फोर एलिमेंट्स से बना है। इसका अगर फंक्शन देखें तीसरे पार्ट में, जैसे यहाँ आपने देखा वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड, इसके अलावा भी ये अमीनो एसिड्स जो भी एसेंशियल एलिमेंट है उनको ट्रांसपोर्ट करता है ये सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स मीन्स जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है फूड, और सिंक मीन्स जहां पर इसका यूज होना है, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट। और लास्ट फोर पॉइंट आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फोर पॉइंट में जैसे यहां पर मैंने बताया आपको कि यहां मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, तो यहां पर आप बताएंगे मोस्ट ऑफ द सेल्स आर मोस्टली लिविंग, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, यहां पर ज्यादातर आप सेल्स कैसी हैं लिविंग है, यहां डेड केवल ये फाइबर, फ्लोएम फाइबर केवल डेड होता है और सभी सभी यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके वो लिविंग। तो इस तरह से फोर डिफरेंस भी तैयार हो गया आपको, इनके बारे में भी क्लियर हो गया। फोर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, चाहे जैनम पूछा जाए चाहे फ्लोएम। डायग्राम बुक से आप लोग इसको बनाएंगे, बुक में बना हुआ है, बुक में कोई इसका खास यहाँ पर हमें एक्सप्लेन नहीं करना, बुक में कुछ डायग्राम में समझाने के लिए नहीं है, इसलिए आप इसको डायग्राम जरूर बनाएंगे, डायग्राम भी बनाने को आता है। और लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग टाइप में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी को रिफर करेंगे, लेवलिंग कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिया गया है। तो आप आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू की स्टडी, हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।